पश्चिम बंगाल में मई के महीने में होने वाले पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान भी हिंसा का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में नामांकन के दौरान तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही है। तीन तस्वीर आपके सामने मौजूद है। ये तस्वीर बीरभूम, कूच बिहार और मुर्शिदाबाद से आई है। यहाँ पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान ही हिंसा देखिए किस तरह से दिखाई दे रही है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं। आरोप के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता विपक्षी कार्यकर्ताओं को नामांकन करने से रोक रहे हैं। बीरभूम, कूच बिहार और मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर आपके सामने, जहाँ हिंसा दिखाई दे रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप इस पूरी तस्वीर को लेकर दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव से पहले जिस तरह की ये तस्वीर सामने आ रही है, हिंसा भरी कानून व्यवस्था यहां पर सीधे तौर पर बिगड़ती हुई नजर आती है। तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर जमकर झड़प देखने को मिली और इस झगड़े में बमबारी तक हुई। यहां बिगड़े हालात को काबू करने के लिए बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पार्टी उम्मीदवारों को नामांकन से रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बमबारी और फायरिंग की। वहीं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पुलिस की मदद से उनके उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा के बाद बीरभूम में हालात आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिगड़े हुए हैं। यहां हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यह तस्वीर बीरभूम की आपके सामने है, जहां पर बमबारी तक की गई। और बीरभूम ही नहीं, उधर मुर्शिदाबाद की तरफ रुख करें तो मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, हुगली में भी कुछ हिंसा से भरी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। पुरुलिया में दिग्गज सीपीएम नेता वासुदेव आचार्य के साथ मारपीट हुई। बांकुड़ा में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट देखने को मिली। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले जिस तरह से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते ये हिंसा यहां पर भड़की हुई है। हालांकि पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है, लेकिन कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराती हुई पूरी तरह से नजर आती है। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसे लेकर जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि तीन चरण में पश्चिम बंगाल में ये पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि बीरभूम में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प देखने को मिली है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भी ये झड़प देखने को मिली। कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ, विवाद बढ़ा, हिंसा में तब्दील हुआ। पुरुलिया में भी दिग्गज सीपीएम नेता वासुदेव आचार्य के साथ मारपीट की खबर सामने आई। बांकुड़ा में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में पंचायत चुनाव के चलते पहले से ही हिंसा भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोशिश पुलिस बल के जरिए की जा रही है कि हालात ना बिगड़े, लेकिन इस बीच कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।